This is Rachna. This is Rajshekar, NTV Chief Editor and CEO. Today, it is my honor to interact with a significant leader who has positioned India on a global stage. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has been significant in transforming India's digital landscape and crucial in shaping its external affairs. His leadership embraces technology, enhances governance with massive digital initiatives. Deeply rooted in reviving and preserving the rich heritage of Indian culture, he is a visionary with a modern outlook and a global leader par excellence in economic development. He is a rare blend of technology, innovation and tradition in his governance. Pradhanamantri ji, namaste. Namaskar ji. We are from NTV, Bhakti TV and Vanita TV from the Telugu states. Thank you so much for taking your time out and during this busy election schedule. मेरा सौभाग्य है मुझे पहली बार आपके यहाँ इंटरव्यू करने का मौका आ रहा है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. इसके लिए हैदराबाद से यहाँ तक आए तेलंगाना से, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. डाइविंग इन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका असेसमेंट क्या है? अभी तक तीन फेसेस हो गया, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, तीन चरण का चुनाव, कुछ लोग मतदान के आंकड़ों पर अटके हुए हैं, लेकिन मैं इस चुनाव में एरिथमेटिक से ज़्यादा केमिस्ट्री देख रहा हूँ. और ये केमिस्ट्री इतनी पावरफुल है, ये नतीजे बताएंगे. पहले चरण में मैंने कहा था कि विपक्ष पस्त हो चुका है. दूसरे चरण के बाद मैंने कहा था अब ये ध्वस्त हो चुका है. और तीसरे चरण में मैं कहता हूं कि अस्त हो चुका है. और जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रति आश्वस्त है, ये मैं इन तीनों में देख रहा हूं. तीन चरणों के प्रचार में मुझे कई रैली करने का मौका मिला, कई रोड शो करने का मौका मिला, मीडिया के मित्रों से भी छुटपुट बात होती रही. मैं 14 का चुनाव भी देखा है, 19 का भी देखा है. सामान्य नागरिक जिसको कहें, जो राजनीति के गतिविधियों से दूर रहता है, मैं उन लोगों को इस बार मेरे कार्यक्रमों में देख रहा हूं. ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस प्रकार का समाज जीवन का तबका चुनाव में आपका समर्थन करने के लिए आ जाए. और मैं उसमें एक भक्ति भाव का वातावरण देखता हूँ. उसमें भारत भक्ति नजर आती है, समाज भक्ति नजर आती है, एंड एक प्रकार से पॉलिटिकल अवेयरनेस एट ग्रास रूट लेवल पर ये चुनाव में नजर आ रही है. मैं मानता हूँ कि 2019 के भी रिकॉर्ड ये चुनाव तोड़ेगा, हर प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ेगी. मतदान कम होने के बावजूद भी मेरा मत है कि विजय का जो एक प्रकार से मार्जिन का लेवल है वो भी काफी बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है. और जहां तक विपक्ष का सवाल है, शायद एक तो उनका एनडी अलायंस चला ही नहीं, वो दो चार रैली कर पाए. और पहले ही दिन उन्होंने केरल में इंडिया अलायंस में के खिलाफ, अपने लेफ्ट के खिलाफ खुद चुनाव खड़े हो गए कांग्रेस के नेता. तो अविश्वास बड़ा जबरदस्त है, सीट आखिर तक वो तय नहीं कर पाते हैं. अभी तक उनका कोई कैंपेन का कोई थीम नजर नहीं आता है. मोदी को गाली गलौज करना वो तो ठीक है, होता रहता है. और मैं मानता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब होगी. ओवरऑल इंडिया अलायंस एक प्रकार से पूरी तरह बहुत ही हालत खराब हो जाएगी. और उन्होंने भी मान लिया है, इसलिए आपने देखा होगा को कभी वो इलेक्शन कमीशन पर बवाल खड़ा कर देते हैं, कभी ईवीएम पर बवाल खड़ा कर देते हैं, कभी मतदान के आंकड़ों को लेकर के रोना धोना शुरू कर देते हैं.
अरे मुझे लगता है कि उनका उनकी शक्ति इलेक्शन कैंपेन में जनता के पास मुद्दे लेकर के जाने के बजाय उनकी पूरी रिसर्च टीम इस बात में लगी है कि हारने के बाद ठिकरा किसके सर पर फोड़े, ईवीएम पर फोड़े, इसी पर फोड़े या अपने साथियों पर फोड़े, तो वो अभी उस व्यूहरचना में लगे हुए हैं। सर, अयोध्या राम मंदिर फुलफिल्स अ 500 ईयर ओल्ड ड्रीम, एंड उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के का दिन आपका फीलिंग क्या था? ये आपने बहुत मुझे भावुक कर देने वाला सवाल पूछा है सर। जिस दिन मुझे ट्रस्टी सब मिल करके आए थे निमंत्रण देने के लिए राम जन्मभूमि का जो लोग संभालते हैं, तो मैं खुद बहुत ऑनर फील करता था कि मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण अवसर में मुझे साक्षी बनने के लिए अवसर मिलेगा। फिर मैंने अपने कुछ परिचित लोग थे जिनसे मैंने पूछा कि अगर इतना बड़ा काम है 500 साल के बाद हो रहा है, अनेक पीढ़ियों के सपने इसमें समाहित हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आप में एक बहुत जिम्मेवारी अनुभव करता हूँ। और मैं एक पीएम के नाते या एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जाने के बजाय सात अर्थ में इस देश के एक सामान्य नागरिक के तरह इस देश की महान परंपरा संस्कृति के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में जाना चाहता हूँ। तो मैं मन से बाकी चीज़ों से कट ऑफ होना चाहता हूँ और मैं मन से उससे जुड़ना चाहता। कुछ साथियों ने मुझे सुझाव दिए अनुष्ठान वगैरह के लिए, फिर मैंने अपने आप तय कर लिया कि इन्होंने जो गाइडलाइन दिया है, लेकिन मैंने उससे भी कुछ ज़्यादा ही करना तय कर लिया। वो जो 11 दिन मेरे अनुष्ठान के थे वो एक अलग ही भक्ति भावना में मैं डूबा हुआ था, एक आध्यात्मिक चेतना का मैं अनुभव कर रहा था। मैं जब साउथ में गया अलग अलग मंदिरों में, तो मैं कुछ अलग ही फील करता था और मैं बहुत बड़ा भक्ति भाव से पूरी तरह रम गया था। मैं कह सकता हूँ मैं राम में रम गया था। जिस दिन ये अवसर आया मैं अयोध्या पहुँचा और एक पल पल मेरे मन में एक अलग ही भाव जगता था। और प्रत्यक्ष में जब रामलला की मूर्ति के सामने खड़ा रहा, उन आंखों की चमक, एक निर्दोष चेहरा, एक हल्की सी मुस्कान, यानी ऐसा लग रहा था कि सचमुच में 500 साल का सपना इसमें मुझे प्रतिबिंबित हो रहा था। मैं बड़ा भावुक था। मेरे पास उस परिस्थिति का वर्णन करने के लिए शब्द तो नहीं है, लेकिन उनकी आंखें, उस पूरा व्यक्तित्व मुझे जीवंत लग रहा था, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कुछ उनकी तरफ से कोई संदेश आ रहा है, हम उस संदेश को स्वीकार करने के लिए जैसे तड़प रहे हैं। एक ऐसा नाता था और बीच में कोई कर्टेन नहीं था। हम एक बहुत बड़े लोग हैं जो शायद इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा, कभी भी नहीं समझा पाऊंगा जो मैं फील करता था। मैं अभी भी दोबारा एक बार गया था, तो जो ट्रस्ट के नियम है उस प्रकार से मैं गर्भगृह में तो नहीं जा सकता था, वहीं से बाहर रह करके मुझे पूजा करनी थी। लेकिन इस बार भी गया तो मुझे वही दृश्य आ रहा है जो पहले दिन मेरे मन में था। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं आज ये दिन बदल चुका है, मैं कई महीनों के बाद आया हूँ। मैं उसी में फिर से एक बार खो गया। बड़ी भक्तिभाव से जो कुछ भी कर सकता हूँ कर करके मैं, और जब मैं इस प्रकार की स्थिति में होता हूँ मैं कुछ मांगता मांगता नहीं। मेरे मन में 140 करोड़ देशवासी होते हैं, उनका कल्याण होता है, मेरे देश का कल्याण होता है। और मुझे लगता है कि जब मुझे वहाँ ट्रस्टियों ने बताया कि साहब यहाँ लाखों लोग आते हैं, यात्री बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, लेकिन 20-30% ऐसे यात्री होते हैं जो एक एक खंभा पकड़ करके रोते हैं, बोले हम
उनको खंभे से छुड़वा करके दूर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। शायद ही कोई होगा जिसके आंख में आंसू ना आते, यानी एक बहुत बड़ी भावुकता का वहाँ वातावरण होता है। तो वहाँ जो वॉलेंटियर्स हैं उनके लिए भी सबको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक अलग ही वातावरण है। यू हैव कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिशेंट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन वाराणसी एंड रिवाइटलाइज्ड द सिटी। इज दिस मॉडल यू इंटेंडेड टू अडैप्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिलीजियस साइट्स इन कंट्री? पहली बात है कि मैंने नहीं किया है, मैं कौन होता हूँ करने वाला, ये परमात्मा की कृपा से होता है आपका नेतृत्व में, और जनता जनार्दन भी ईश्वर का रूप है। जब उनकी इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं, उनकी आकांक्षाएं तीव्र हो जाती हैं, तो एक नई ऊर्जा नया सामर्थ्य पैदा होता है। तो मैं शायद निमित्त बना हूँ, शायद माँ गंगा ने मुझे इसलिए काशी बुलाया होगा और मैं वहाँ गया। मेरा गुजरात का अनुभव रहा है लंबार से का, हमें टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बाहर के किसी मॉडल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया को देने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अब जैसे G20 समिट हुई, 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई, और ये दुनिया के G20 से जुड़े हुए टॉप जो नीति निर्धारक टीम होती है, ऐसे कम से कम हर देश से 300-300 लोग भारत आए होंगे। उन्होंने भारत के अलग अलग भाग देखे, उनको पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान इतना विविधताओं से भरा हुआ है, इतनी खुशबू है, इतनी महक है, इतनी चमक है, पता ही नहीं था। तो उसी प्रकार से भारत में 140 करोड़ देशवासी, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, आपके लिए अगर मार्केट की भाषा में बोले तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और उसमें से हमने कई रिफॉर्म किए हैं। अब जैसे हमने यात्री सर्किट बनाए हैं, ट्रेनें चल रही है, जैसे राम प्रभु राम की सर्किट की ट्रेन चलती है, एक बार उस ट्रेन में आप बैठ जाइए, फिक्स टिकट है आपका, आप अंदर रहना नहाना खाना सब उसी में होता है, तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए बड़ी सुविधा रहती है। जहाँ उतर करके डेस्टिनेशन पे जाना है तो व्हीकल की व्यवस्था भी उसी में आ जाता है। बुद्ध सर्किट बना हुआ है, जैन सर्किट बना हुआ है, तो भारत का जो यात्रा नाम का जो एक पूरा क्षेत्र है उसके लिए बहुत बड़े, और मैं तो चाहूँगा कि कभी आपकी पूरी टीम एक एक सर्किट पे टूर करें कैमरा के साथ, मैं सरकार को जरूर बताऊंगा मेरे तीसरे टर्म में, तो आप भी देखेंगे क्या भक्ति और अंदर पूरा वातावरण भक्ति का होता है। दूसरा, अब काशी विश्वनाथ धाम की बात अगर करें, मैं काशी का सांसद हूँ, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि करोड़ों की तादाद में वहाँ लोग आए। महात्मा गांधी जी का मैंने पढ़ा था, वो काशी आए थे और महात्मा गांधी जी ने बड़ा नाराजगी व्यक्त की थी, गंदगी है, अव्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है। तो मेरे मन में था कि गांधी जी के समय की वेदना अभी तक किसी ने पूरी नहीं की। फिर मेरे मन में आया कि भाई एक एमपी हूँ, उस नाते तो करूँगा, लेकिन गांधी जी ने जो कहा है मुझे उसका कोई, गांधी जी की इच्छा मुझे पूरी करनी चाहिए, उस भाव भी मेरे मन में था। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ किया है हमने, वहाँ सुविधाएं भी बढ़ाई हैं मैंने। अब जैसे वहाँ पर एक परंपरा है, काफ़ी लोग अंतिम संस्कार के लिए वहाँ आते हैं, तो मैंने जल सब महंगियाँ बनाई हैं ताकि डेड बॉडी को आने में सुविधा हो, तुरंत आए ले जाएं। तो ऐसी कई नई नई चीज़ें वहाँ जोड़ी है, और वहाँ उसके कारण यात्रियों की संख्या इतनी बड़ी है, और जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसमें काशीवासियों ने बहुत सहयोग किया, वरना इतनी बड़ी जगह बन नहीं सकती, इतने मकान एक्वायर करने थे, ये सारा काम किया। करीब 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ आ चुके हैं,
और जब 15 करोड़ लोग आते हैं तो आप कल्पना कर सकते काशी जैसे स्थान का इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आज वहाँ पर इकोनॉमी इतनी बूम है और वही तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, नाविकों को भी काम मिल जाता है, फूल बेचने वाले को काम मिल जाता है, गेस्ट हाउस वालों को काम मिल जाता है, सामान बेचने वालों को मिला, खिलौने बेचने, यानी एक प्रकार से हर प्रकार से लाभ हुआ है। 2023 में करीब 20 लाख यात्री बाबा केदारनाथ आए थे। अब उत्तराखंड जैसा राज्य जिसकी इकोनॉमी इस पर डिपेंडेंट है, वहां पर इतनी सतर्कता बना, मतलब पूरे राज्य की इकोनॉमी को पूरी ताकत देते हैं। यानी अगर पूरी चारधाम यात्रा में कहूँ तो चारधाम यात्रा में करीब 55 लाख श्रद्धालु, उससे ज्यादा श्रद्धालु वहां आते हैं। ये पूरा का पूरा वहां की इकोनॉमी है। और जो ये उज्जैन में आप जाएंगे, जो महाकाल महालोक बना हुआ है, वो पिछले साल मुझे जो बताया गया था, अभी जब मैं मध्य प्रदेश गया, 5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। ये अपने आप में श्रद्धा वगैरह है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी भी जुड़ी। अब भारत ऐसा देश है कि जिसमें आप जैसे हेमकुंड साहब है, हेमकुंड साहब जाने की हमारे सभी सिख भाई बहनों की इच्छा रहती है, लेकिन कठिन है, सब नहीं जा पाते। अब वो एक रोपवे बना रहे हैं, रोपवे बनाएंगे तो अन्य जो श्रद्धालु हैं बड़ी आसानी से जाएंगे, बर्फ रहता है लंबा समय तक, बर्फ रहता है। उसी प्रकार से हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया। हकीकत तो जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर किया था, भारत के कैद में थे। उस समय जब बातचीत हुई पाकिस्तान के साथ, तो उस समय हमें एक शर्त करनी चाहिए थी कि गुरु नानक देव जी के लिए हमारा अब पवित्र स्थान है करतारपुर साहब, वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये उनको सुझा ही नहीं। तो क्या होता था, आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान की सीमा के उस पार करतारपुर साहब है, तो यहाँ पर एक टावर जैसा बनाया है, टावर से लोग दूरबीन से करतारपुर साहब को दर्शन करते थे और कतार लगती थी, उसके लोग आते थे। ये मैं जब पंजाब में पहले काम करता था, मैं ये सब परिचित था, मुझे एक दर्द होता था कि ऐसा अपमान कैसे हम सह सकते हैं, ऐसी हमारी मजबूरियों की जिंदगी क्या होती है। मैंने आकर के यहाँ कोशिश की और आखिरकार रास्ता निकला, आज वहाँ हमारे लोग आराम से जा सकते हैं, दर्शन करके वापिस आ सकते हैं, और बहुत ही सुंदर वहाँ व्यवस्था खड़ी कर दी हमने। तो करतारपुर साहब कॉरिडोर जो बना है वो भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से मेरा मत है कुछ ऐतिहासिक स्थानों का महत्व होता है, जैसा तीर्थ स्थान का है वैसा ही है। अब बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जुड़े हुए पंचतीर्थ की तरफ मैंने काम किया है, जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ, यूके में जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर रहते थे, बाबा साहब आम्बेडकर जहाँ पर दीक्षा ली, बाबा साहब आम्बेडकर जहाँ काम करते थे, बाबा साहब आम्बेडकर को जहाँ अंत्येष्टि हुई, इन पांचों स्थानों को मैंने बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है, एक का काम चल रहा है। तो पंचतीर्थ एक प्रकार से बहुत ही लोगों के लिए, जो लोग देश में आज़ादी के बाद जो बदलाव आया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहब आम्बेडकर, उसके जीवन को समझने के लिए पंचतीर्थ की यात्रा बन गई। दांडी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन दांडी को भुला दिया गया था। मैंने पूरा दांडी का पुनर्निर्माण किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मेरे मन में था कि भारत को दुनिया बड़ी ताकत से देखे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डबल साइज का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, और पूरी वहाँ व्यवस्था बनी है। तो टूरिज्म को डेवलप करना, सत्ता स्थानों को डेवलप करना, हमने इस क्षेत्र का सब भरपूर, और ये देश की इकोनॉमी को बल देने वाला है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है, और उसके लिए हम काफी कोशिश कर रहे हैं। सर, डू यू बिलीव योर कंटिन्यूड इलेक्टोरल सक्सेस इज लार्जली सपोर्टेड बाय वुमेन वोटर्स? मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ, मैं व्यक्तिगत जीवन में फील करता हूँ कि मुझ पर देश की मातृशक्ति का बहुत आशीर्वाद रहा है,
मैं तो मेरा सुरक्षा कवच भी मेरी माताओं बहनों को मानता हूँ, और जो भाव भक्ति से माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं वो उससे बड़ी क्या शक्ति हो सकती है। और मैं भी इस मत का हूँ कि समाज की समृद्धि का मूल मानदंड है वहाँ की नारी शक्ति का सशक्तिकरण, वही उसका रास्ता है। और इसलिए मैंने आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व देखा। अब आपको एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन करना है तो आपको पहले उनकी जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो डिपेंडेंट है उसमें से उसको मुक्त करना चाहिए। आप हैरान थे, हमारी माताएं बहनों के पास शौचालय नहीं था, चूल्हा गैस के लिए बड़े बड़े सिफारिश लानी पड़ती थी, गरीब के पास घर नहीं था, इन सारी चीज़ों को अब मैंने एक कदम आगे उठाया, एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि भाई ये महिलाएं से पापड़ बनाएगी या अचार बनाएगी, क्या इससे बाहर नहीं है। मैंने अभी उनको ड्रोन पायलट बनाने शुरू किया, इतना एक्सपीरियंस मेरा पॉजिटिव है और इतनी बहुत अच्छे तरीके से वो किसानों की मदद कर रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं। मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का, पहले मैंने ट्रायल किया, 1 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन वो तो छूट था। अब मैं ऑर्गेनाइज वे में उस पर काम करने वाला हूँ, और इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा। यानी लखपति दीदी वो गांव में छोटे मोटे काम करते हैं उन लोगों में से, यानी एक प्रकार से भारत की इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। मुद्रा योजना में 70% उसके जो बेनिफिशियरी हैं वे विमेन हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी एक ताकत बढ़ी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैंने पैसा ज़्यादा देना तय कर दिया, बिना गारंटी देते हैं। और मेरा आनंद ये है कि कोई NPA नहीं होता है, जितना लोन लेते हैं समय के पहले दे के जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर नई पार्लियामेंट बनी तो मेरे मन में था नई पार्लियामेंट में पहला काम कौन सा करूँ, तो मेरे मन में स्वाभाविक मेरे देश की माताएं बहनें आई, और भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पहला कानून पास किया, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण का काम किया। तो मैंने नए संसद के भवन को भी देश की नारी शक्ति को समर्पित करते हुए प्रारंभ किया। तो मैं बाकी तो आप देखिए, सेना के अंदर आज हमारी बेटियां हैं, खेलकूद में हमारी बेटियां हैं, साइंटिफिक फील्ड में हमारी बेटियां हैं, चंद्रयान की बात हो, और इसलिए मैंने वहाँ नाम भी क्या रखा, शिव शक्ति, जहाँ हमारा चंद्रयान लैंड किया शिव शक्ति। तो मेरे जो भाव विश्व है उसका प्रगतिकरण हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होता है, उसमें मेरा जो मातृशक्ति के प्रति मेरा श्रद्धा भाव है वो प्रकट होता है। सर, BJP एंड TDP आर अ पार्ट ऑफ NDA, डू यू स्टिल कंसिडर YS जगन एन अलाय इन आंध्र प्रदेश? मैं नहीं मानता हूँ कि आंध्र में वर्तमान सरकार दोबारा जीत सकती है, काफी कुछ आर्थिक रूप से बहुत ही हालत खराब है वहाँ की, और उसका प्रभाव नीचे तक है। जगन हमारे पॉलिटिकल एलाय कभी नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट में तो मुद्दों के आधार पर समर्थन वगैरह मिलता रहता है, और हम पहले भी विरुद्ध में ही चुनाव लड़े हैं, हम कभी साथ में चुनाव नहीं लड़े हैं, हम आमने सामने ही रहे हैं, और हम एक प्रकार से चुनाव में हमेशा प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो मैं संविधान के तहत बंधा हुआ हूँ कि मैं फिर पार्टी नहीं देख सकता, फिर मुझे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मेरा काम है उस राज्य को मजबूत बनाने में, उस सरकार की जितनी क्षमता है उसमें क्या मैं एडिशन कर सकता हूँ। तो मैं आंध्र के लिए भी करता रहा हूँ, और वो तो मेरा एक संवैधानिक दायित्व भी है, और मेरे देश का जो मेरा सपना है उसमें मैं तो चाहूँगा हर एक राज्य को साथ लेकर के मैं चलूँ। तो वो नाता एक अलग है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, TDP और BJP तो पहले भी NDA में साथ में थे, इस बार जनसेना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जिस प्रकार का लोगों का रिस्पॉन्स है, जिस प्रकार का एक आकर्षण बना हुआ है, मैं पक्का मानता हूँ कि NDA की सरकार वहाँ बनेगी और लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जीत करके NDA आंध्र में आएगी। सर, व्हाट कन्विंस्ड यू टू फॉर्म
alliance with Janasena and TDP in Andhra Pradesh. ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है कि हमें अधिकतम लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए. ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है. हमें ये अहंकार नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अरे चलो भाई हमें क्या जरूरत है. हम इस मिजाज के नहीं हैं. इवन पूर्ण बहुमत था हमारे पास, फिर भी हमने सभी साथियों को सरकार में रखा था, क्योंकि हमारा मूलभूत मतलब भारत जो है, भारत की राजनीति अब वो टू कैंप में डिवाइड है. एक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है, जो पहले यूपीए के रूप में जाना जाता था. तो हम इस मत के हैं कि अधिकतम राजनीतिक दलों को हमने साथ रखना चाहिए. दूसरा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज उसने रीजनल एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना चाहिए. और रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां साथ होती हैं तो उसको करने में सुविधा बढ़ती है. फुल फ्लेज अगर अब जैसे गुजरात है, गुजरात में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी लीडरशिप वहां से वैसे ही, वहां अलग से किसी की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन तेलंगाना हो या आंध्र हो, तो हमें रीजनल एस्पिरेंस को एड्रेस करना चाहिए. हम हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं, और इसलिए हम छोटे हैं कि बड़े हैं उसके बजाय हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम रीजनल एस्पिरेशंस को साथ लेकर चलेंगे. और उन मूलभूत विचार के कारण अब बीजेपी टीडीएम हम पुराने साझेदार रहे हैं. एनटीआर समय से सरकार में भी हम एक दूसरे को सहयोग करते थे, तो एक प्रकार से मिलकर के हमने काम किया हुआ है. और आपने देखा होगा हम नरसिम्हा राव जी को हमने भारत रत्न दिया. वो तो बीजेपी के थे नहीं, वो तो कांग्रेस के थे. एक बार बीजेपी के द्वारा चुनाव भी हारे थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा के प्रति हमारा एक आदर का भाव रहता है. सर, कमिंग टू तेलंगाना, हाउ डू यू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस इन तेलंगाना? बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलने वाला है पार्लियामेंट के चुनाव में, क्लीन स्वीप. और उसमें मुझे जरा भी दुविधा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं जब गुजरात में हमारे यहाँ 80s 90s में मेरी पार्टी कैसे डेवलप हुई, मैं आज वो सारे एलिमेंट तेलंगाना में देख रहा हूँ, वहाँ के जनता का मिजाज देख रहा हूँ. तो मैं क्लीन स्वीप देख रहा हूँ. मैं और देश के लोग को बिल्कुल मेरी बात ये याद करेगी इसको, तेलंगाना में एक मिरेकल अब देखेंगे. कोई दल इतने कम समय में जनता को निराश कर दे, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता. अभी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस पार्टी को इतना भारी बहुमत दिया, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल चल हो गए, हर मोर्चे पर विफल हो गए. और फिर आप कहोगे अब तो मैं राजा हूं, मैं कुछ करूंगा नहीं. तो मैं समझता हूं कि तेलंगाना की जनता को बीएनएस के प्रति अत्यंत गुस्सा था, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला. मुझे नहीं लगता है कि तेलंगाना की जनता का फर्स्ट चॉइस कांग्रेस थी. उनकी मजबूरी थी कि ये तो इन्होंने तो बर्बाद कर दिया, चलो जो मिले सो. उसका बेनिफिट मिला कांग्रेस को. कांग्रेस ने उसको जनता को आदर भाव के साथ सेवा भाव से जुड़ने के बजाय वो अपनी सत्ता के अहंकार में जुड़ गए. और मैंने तो RR फैक्टर की बात कही है, RR टैक्स की बात कही. और मैं तो हैरान हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा गजब का बयान दे दिया, मैंने सिर्फ RR टैक्स कहा है और उन्होंने नाम को कह दिया. मैंने तो बोला नहीं, तो नाम वो कहाँ से लिया है? मतलब उनको शायद पता होगा या उनके कोई उनको यही नाम दिखाई दिया होगा. तो ऐसा क्यों करते होंगे मुझे समझ नहीं आता है. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नमेंट्स हैव incurred significant debt to fund their election promises that have proven to be the huge financial burden on state resources. Do you believe that this affects developmental activities in the states? मैं मानता हूँ कि वहाँ आज ऐसी स्थिति है कि सरकार के पास उन राज्यों के लिए कोई विजन ही नहीं है. देखिए, छत्तीसगढ़ भी तो नया बना राज्य था,
लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला तो हमने बीजेपी छत्तीसगढ़ को हमने शेप दे दिया। छत्तीसगढ़ एक बड़ा वाइब्रेंट इकोनॉमी वाला सेंटर बन गया। वैसा ही नया राज्य बनने के बाद बहुत अवसर था और उनको बहुत मदद भी मिल रही थी, तो आंध्र भी उस फायदा उठा सकता था, तेलंगाना भी उठा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों एक स्थिति में या तो अंदर अंदर लड़ो या तो केंद्र से लड़ो, उस परिस्थिति में आ गए। उन्होंने जो नीतियां बनाई वो एक प्रकार से तिजोरी तो खाली कर ही देती थी, लेकिन करप्शन को बल देने वाली नीतियां बनी। उसने भी सारी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। आंध्र में रेत शराब माफिया ही जैसे आंध्र चला रहे ऐसी चर्चा है, तेलंगाना में भू माफियाओं का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है उसकी चर्चा है। यानी जिनके पास गवर्नर का एजेंडा नहीं वो ऐसे फालतू चीजें करते रहते हैं। अगर आपको जनता के लिए काम करने का एजेंडा हो, रोड मैप हो, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पसीना आप निकाल दो, तब तो आप परिणाम देते हैं। और वो कमी मैं देख रहा हूँ कि आजकल शॉर्टकट वाला जो खेल चल रहा है, और लिख करके रखो शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, ये ऐसा ही हाल है लोगों का। सर, व्हाट इज योर विजन फॉर तेलंगाना? आप कैसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं उधर? एक तो संपूर्ण देश का जो विजन है, हम 2047 विकसित भारत के लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, तो भारत सरकार ये डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, काफी मात्रा में हमने कर लिया है। मैं चाहता हूं कि राज्यों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के एक ही दिशा में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए, और उसमें हमारी तेलंगाना के पास अपनी एक समृद्ध विरासत है, क्षमता है। पहले के जमाने में तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली चार शहर जाने जाते थे, बेंगलुरु, हैदराबाद अपनी एक ताकत को लेकर के दुनिया में उनका नाम हुआ, लेकिन राजनीतिक स्थितियों ने स्थितियां बिगाड़ दी। मेरे दृष्टि से होलिस्टिक प्रोग्रेस के तेलंगाना में चार में पहलू देखता है। एक, हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तेजी कर सकते हैं करनी चाहिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास और वैल्यू एडिशन, ये दोनों चीजों पर बल देना चाहिए। और मैंने देखा है कि तेलंगाना में और आंध्र में कुछ किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ बल दे रहे हैं, उसको बढ़ावा देंगे तो और उनका एक ग्लोबल मार्केट मिल सकता है, तो उन दिशा में। फिर एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, इस पर बल देना चाहिए। हम इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ वहाँ जा रहे हैं ताकि वहाँ कॉटन के ग्रोवर है तो उसको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। कुछ स्थान पर गन्ना किसान है तो हम इथेनॉल पर जा रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ की संभावना है। दूसरा, अब जमाना है अर्बनाइजेशन होना ही होना है जी, हम रोक नहीं सकते। तो अब रोते बैठना कि अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मानना, मैं मानता हूं कि भारत के नेतृत्व की, हर राज्य के पॉलिटिकल लीडरशिप के नेतृत्व की कसौटी ये है कि वो अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी माने और अभी से प्लानिंग करें। और इसलिए मुझे लगता है कि तेलंगाना के 5-7 शहरों को मोस्ट मॉडर्न डेवलप करने की दिशा में जाना चाहिए। हैदराबाद को तो ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करना चाहिए क्योंकि हैदराबाद का ग्लोबल वैल्यू है। हैदराबाद कोई एक राजधानी ऐसा नहीं है, भारत का एक शहर ऐसा नहीं है, उसकी अलग अहमियत है। खेलकूद में हैदराबाद कितना बड़ा कर रहा है जी, यानी इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ वहाँ हम कर सकते हैं। चौथा है सामाजिक न्याय, मैं मानता हूँ सोशल जस्टिस के बिना हम समाज में इतना बड़ा अंतर हो कि भी कुछ लोग बहुत एफ्लुएंट हो कुछ पीछे हो तो ये नहीं चल सकता। उसके लिए जो भी आवश्यक है उन कदमों को उठाना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अब जैसे हमने नेशनल हाईवे 6 लेन बना रहे हैं, रेलवे MMTS नेटवर्क का विस्तार हम कर रहे हैं, हैदराबाद सहित प्रमुख शहरों में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण, ये हाई स्पीड कॉरिडोर बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है, लॉजिस्टिक हब के रूप में भी वो एक प्रकार से ये कॉरिडोर काम आने वाले हैं। अब जैसे नेशनल टर्मिनल बोर्ड की बात है, नेशनल टर्मिनल बोर्ड हमें बहुत दिनों से मांग थी
हमने पूरा कर दिया है। रिसर्च इस पर हमने सरकार ने बहुत बड़ा ध्यान दे रहा है। हमारा देश आने वाले दिनों में एक प्रकार से फार्मेसी का हब बनेगा, और जब मैं फार्मेसी का हब बनकर कहता हूँ तो हैदराबाद में पोटेंशियल बहुत है, तेलंगाना में पोटेंशियल बहुत है। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम विकास में बल देंगे तो बाकी तो डिजिटल है, कई चीज़ें हैं जिसको हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। एक जो मैं सामाजिक न्याय की बात करता था, अब देखिए मादिगा समाज इतने लंबे समय से उनको तड़पाया जा रहा है। मैंने खुल करके कहा है मादिगा समाज के साथ न्याय करने के लिए मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ा हुआ। एससी समुदाय के हितों की रक्षा, वहां बंजारा समाज इतना बड़ा है, उनको छोटी छोटी चीजों के लिए लटकाया हुआ है। यानी एक प्रकार से हमें इन चीजों की चिंता करनी चाहिए और इनकी रक्षा के लिए मैं हमारे यहाँ भी मैंने हाई लेवल कमिटी भी बनाई है, मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। ऑन वन हैंड यू से देयर इज आवर टैक्स एंड अदर हैंड बीआरएस party involved in liquor scam, what action will BJP take against corruption? जहाँ तक भ्रष्टाचार का विषय आपने निकाला है, देखिए मैं समाज भ्रष्टाचार का मेरा किसी राज्य से वो सीमाओं में बंधा हुआ विषय नहीं है, न दलों से बंधा हुआ विषय है, न समय से बंधा हुआ विषय है। मेरे लिए हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए भारत को इस बीमारी से मुक्त करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि असंभव है, असंभव नहीं है। मुझे देखिए पहले हमारे यहाँ आते 15 साल पहले ब्लैक मार्केट शब्द सुनने को मिलता था, आज ब्लैक मार्केट शब्द करीब करीब हट गया। पहले तो सिनेमा थिएटर पर भी ब्लैक में टिकट ले आइए, आज वो शब्द चले गए। क्यों? तो समाज जीवन में टेक्नोलॉजी है, एफ्लुएंट सोसाइटी बनती जा रही है, उत्पादन की विपुलता हो जा रही है, तो फिर वो धीरे 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 हटता जाता है। अगर ब्लैक मार्केट जैसा इतना बड़ा भारी शब्द था वो खत्म होते 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 कहीं पर कभी सुनने को मिलता है। मैं मानता हूँ देशवासी विश्वास करें, भ्रष्टाचार भी ये शब्द, यानी एक पीढ़ी ऐसी आएगी शायद भ्रष्टाचार के लिए सरप्राइज पूछेंगे भ्रष्टाचार क्या होता है, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए। मेरा कमिटमेंट है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और सिस्टमेटिक गवर्नेंस की व्यवस्था में बदलाव करके, और दूसरा जो आदतन पाप करने के आदि लोग हैं, जो भ्रष्टाचार का हक मानते हैं, वो कानून के दायरे में आने चाहिए। अब बीआरएस के नेता जेल में, कोर्ट में उनको बेल नहीं मिल रही है, पार्टी का नाम बदला लेकिन ब्लॉक लेवल तक उनकी पार्टी आज बची नहीं है। अब वो अनाप शनाप भ्रष्टाचार कर करके वो मानते थे मैं दुनिया को खरीद लूंगा, देश की राजनीति को इन्फ्लुएंस करूंगा रुपयों के सहारे, सिद्ध हो गया ये संभव नहीं है। हो सकता है आपके पास रुपयों के पहाड़ पड़े होंगे, और तेलंगाना के लोगों ने इस बीमारी पर गुस्सा व्यक्त किया और साफ कर दिया। परिवारवाद इसके प्रति देश का बहुत रोष है, क्योंकि परिवारवाद देश के टैलेंट को पूरी तरह नकारता है। किसी भी आप हैरान हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें यादव कम्युनिटी को दी है, लेकिन यादव समाज में से एक भी यादव नहीं है, सारे के सारे यादव उनके फैमिली मेंबर है। तब किसी भी यादव को गुस्सा आएगा कि ये क्या राजनीति है। अब देखिए हम कैसे हैं, मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं यादव कम्युनिटी से, हमने वोट बैंक के आधार पर तय नहीं किया, उनके पास अनुभव था, पहले भी सरकार में रहे थे, संभाल सकेंगे हमको विश्वास था, तो उनको हमने बनाया। यहां परिवार के बाहर जाने को तैयार नहीं किए, वैसा ही हाल हो गया है दक्षिण के राज्यों में, और इसलिए और परिवार के बाद के साथ डेफिसिट ऑफ टैलेंट तो आता ही आता है, उनके सब चीजों में कमियां बुराइयां उजागर होती, क्योंकि घर में ही सब छुपा देते हैं, भ्रष्टाचार उसी में पनपता है जी। तो इन सारी एक प्रकार से बहुत बीमारी फैल चुकी है जी,
और मैं उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करता ही रहूंगा। जो भी कानून की मर्यादा में होगा वही मैं करता हूं, और उसके कारण मुझे मेरी आलोचना होती हो, कोई कहे कि भाई हम विंडिक्टिव है, यानी मैं किसी गांव में डॉक्टर को अरेस्ट कर लूं तो मैं विंडिक्टिव नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति को अरेस्ट कर लूं विंडिक्टिव हूं, ये क्या तर्क है? हमने जितने केसेस किए हैं ना, ओनली 3% पॉलिटिशियन है, 97% अलग लोग हैं जी। सर, बिफोर वी कंक्लूड, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट समथिंग आई बिलीव दैट इज क्लोज टू योर हार्ट, मन की बात, विच हैज ब्रॉट यू वेरी क्लोज टू द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट इज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? दरअसल इसके पीछे एक स्पार्किंग पॉइंट है। मेरे हुआ था ऐसा कि जिस दिनों अटल जी की सरकार थी और अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, मैं उस समय हिमाचल में भाजपा का काम करता था, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ रास्ते में ढाबे पर मैं चाय पीने के लिए रुका। वहाँ थोड़ी ठंड भी होती है, काफ़ी पहाड़ों में ताप है, तो जो छोटे से ढाबे वाला था वो नाच रहा था, और उसने जो भी बेचारा बेचता था उसमें से मिठाई का जो कुछ भी उसको था मेरे मुंह में नहीं था पहले। अरे मेरे का भाई जरा शांत होकर के बताओ मुझे क्या है, तो बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया। क्या बम? अरे बोले साहब देखिए रेडियो सुनिए, रेडियो पे आ रहा है। मैंने उस दिन फील किया रेडियो की ताकत क्या है। मेरे मन को वो बात छू गई थी, ये रेडियो एक बहुत बड़ा जनता से जुड़ने का साधन है। जब मैं यहाँ आया तो मेरी टीम के लोगों ने थोड़ा इसको वर्कआउट किया, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक प्रोफेशनली कैसे किया जा सकता है। फिर मेरे कुछ उसमें बातें थी, मैंने कहा एक मैं मन की बात करूंगा तो रेगुलर करूंगा, फिर ऐसा नहीं कि मेरा मूड कर गया करूंगा, यानी रिलीजियसली मैं उसको करूंगा, दैट वॉज माई वन पॉइंट, और मैंने वो किया हर महीने लास्ट रविवार को करना। चुनाव था तो मैंने सामने से कहा कि भाई मैं अब तीसरी टर्म में ही करूंगा, मैं प्रधानमंत्री के बनने के बाद चुनाव एक बार समाप्त हो जाए उसके बाद मैं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा, तो मैं डिसिप्लिन भी फॉलो करता। दूसरा मेरा आग्रह था मैं इतने बड़े महत्वपूर्ण माध्यम का उपयोग मेरी सरकार की वाहवाही के लिए नहीं करूँगा, यानी मेरा बिल्कुल ही रेड लाइन है, मेरे सरकार के कार्यक्रमों और सरकार के वाहवाही के बिल्कुल नहीं करूँगा। तीसरा मैं इसको जन सामान्य की प्रेरक जो बातें होती है जो हमें सबको इंस्पायर करती है उस पर ध्यान केंद्रित करूंगा, और लोग मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, बहुत लाखों चिट्ठियां आती हैं, और मैं सच बताता हूँ मेरा देश इतना समृद्ध है, जो कहते हैं ना भारत बहुरत्न वसुंधरा है, गांव गांव में से रत्न है जी, क्या कुछ नहीं करते। मैं मन की बात में तो बहुत कम बातें बता सकता हूँ, मैं 30 मिनट का मैंने समय रखा है, लेकिन जब मैं वो पढ़ता हूँ या उसमें से जानकारी लेता हूँ मुझे ऊर्जा से भर देती है जी, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन बन जाता है। अच्छा वो गांव में वो महिला, अभी मैं एक महिला को मिला, मेरा इलेक्शन टूर में जा रहा था, तो एक फल बेचने वाली माँ है, नाम था मोहिनी गोड़ा, वो सफाई के लिए बहुत काम करती है, तो मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं जरा उनके दर्शन करना चाहूँगा, तो मैंने उनको प्रणाम किया, माई क्या इंस्पिरेशन है आपका, तो ये मेरे मन में रहता है कि जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, तो इसका बड़ा मतलब है कि भाई ये जो छवि है कि राजनेता ही देश में काम करते हैं ऐसा नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जी जिनको मेरा मेरे मन में इनके प्रति बड़ा आदर होता है, तो उनकी बात मैं दुनिया को बताता हूँ, और मैं जब बताता हूँ तो उसका एक मान्यता बढ़ जाती है कि मतलब कि मेरे पास एक पद है, लेकिन सचमुच में भारत के पास ये इसने एक वातावरण बनाया है, जैसे स्वच्छता, स्वच्छता के विषय को मैंने मन की बात में कि मुझे बहुत बल मिला, क्योंकि मुझे पता चलना वो तो बहुत काम कर रहे हैं लोग, तो मन की बात बताने लगा। मैंने एक बार मन की बात में सेल्फी विद डॉटर कहा, डॉटर के प्रति हर घर में गर्व होने लगा, अरे मेरी बेटी के घर में बनी सेल्फी करूं,
तो पूरी साहित्य बदल देता है ये। और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी रिसर्च की है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च किया है कि भैया मन की बात का सोशियो रिफॉर्म के दृष्टि से क्या एक इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं इसको एक बड़ा अपना पवित्र काम मान करके करता हूँ। प्रधानमंत्री जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पास समय कम था। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू पीएम जी सर। मेरी तरफ से बहुत आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और तिरुपति बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब देश का भी भला करें, विकसित भारत का सपना पूरा करें। सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू सर।